बिजनौर में बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 170 बीपीएल कार्ड धारकों को कनेक्शन बांटे गए, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राजा भारतेंद्र, सांसद एक्शन अरुण कुमार, विवेक प्रकाश SDMO आदि मौजूद रहे। बिजनौर के एजाज अली हॉल में कैंप का आयोजन किया गया। SC रणजीत सिंह यादव द्वारा लगाया गया कैंप, जिसमें विभाग के आला अधिकारी भी उपस्थित रहे और कार्यक्रम की सराहना की। तो जो बिजली के तारे हैं वो गंगा जी को पार नहीं कर रहे, तो वहाँ पर हमने सौर्य ऊर्जा का योजना बनाई है। ये भी परिसीमन में दिया है कि उन्हें या तो मुजफ्फरनगर जिले में ले लिया जाए, वो खुद चाहते हैं कि उन्हें उत्तराखंड में दे दिया जाए। मैं निरंतर वहाँ जाता रहता हूँ, बातचीत होती रहती है। अभी मैंने उन्हें सौर्य ऊर्जा की लाइटें तो उपलब्ध करवा दी है, पर एक सौर्य ऊर्जा तो एक बड़ी यूनिट लग जाए वहाँ पर। जैसे तो आज जो एक कैंप लगाया गया है, किस तरह का कैंप लगाया गया है, यहाँ पर लोगों को किस तरह से कनेक्शन दिए जा रहे हैं? बस आज ये मेगा कैंप है शहर के गरीब परिवारों को कनेक्शन, फ्री कनेक्शन देने के लिए। और ये पूरे प्रदेश में अभियान है, आज नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जितने भी हैं सब जगह पर कैंप लगाए गए। इसमें एक तो एक गरीब परिवार को कनेक्शन देना शहर, दूसरे जो है स्वयं संयोजन योजना के तहत इसमें जो दिक्कत आती है लोगों को कनेक्शन, साधारण कनेक्शन लेने में भी बड़ा काम दिखा है, इसको सरल कर दिया गया है, फ्री कैंप के थ्रू कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तीसरा जो है अपना उजाला योजना, जो जिसमें LED बल्ब और ये लाइट और पंखे वितरित किए जा रहे हैं सस्ती दरों में। सर कितने कनेक्शन देने का जो है लक्ष्य है टोटल? मैं अपने जिले का बताऊँ तो 625 का है, और हम तकरीबन इससे ज़्यादा ही दे रहे हैं। जैसे यहाँ बिजनौर में 100 का था, 170 दिए जा चुके हैं। ये तो आज का अभियान है, बाकी ये तो डेली चलेगा। अच्छा, क्या इसका कोई चार्ज वगैरह भी लिया जा रहा है? चार्ज 10 रुपये नॉमिनल है, प्रोसेसिंग फीस है, इसके अलावा नहीं है। बिजनौर से राजू फहीम की खास रिपोर्ट।